हमने कोशिश की है कि वो हॉरर भी हो और कॉमेडी भी हो, और लोग एक्चुअली डिसाइड करेंगे 12 फेब से कि वो एक्चुअली हॉरर कॉमेडी हुई है या नहीं हुई है। मेरा जो किरदार है उसका नाम है जग्गू, और वो एक अनाथ बच्चा है जिसको एक्चुअली पूरा सोसाइटी ने उसकी मतलब उसकी पूरी वाट लगा दी है, उसको कुछ करने को दे नहीं रही है सोसाइटी। सो वो कोशिश कर रहा है कि औरंगाबाद में रहता है वो छोटे शहर में, और उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती है, तो वहाँ पे वो कोशिश कर रहा है कि जॉब मिले, लाइफ सेटल हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और वो डिसाइड करता है कि बाबा चलो हम लोग अभी मैं खुद को ख़त्म कर दूंगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। तभी उसके लाइफ में ये घोस्ट आते हैं, 4 घोस्ट, और वो घोस्ट उसके लाइफ में क्या करते हैं, मतलब और तकलीफ उसको देते हैं या फिर उसको उससे निकालते हैं, ये अगर जानना है तो ओ माय घोस्ट देखना आप 12 फेब से। बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है हॉरर कॉमेडी, जैसे मैंने बोला ये जॉनर है, इसमें एक्चुअली सिर्फ एक्टरों का काम नहीं होता, डायरेक्टर का काम होता है, सिनेमेटोग्राफर का काम होता है, प्रोड्यूसर का मेन काम होता है, क्योंकि VFX इसको लगता है। सो VFX का खर्चा एक मराठी सिनेमा उठा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ये आपको VFX जब आप पर्दों पे देखोगे, क्योंकि मैंने देखा हुआ है इस फिल्म पूरा, और ये जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि बाबा मराठी फिल्म के लिए VFX किया है, बहुत अच्छा VFX हुआ है। और थैंक्स वसीम सर को और प्रोड्यूसर्स को कि आपने ऐसी फिल्म बनाई और उसमें मुझे लिया। नहीं, मराठी इंडस्ट्री तो पहले से ही कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई स्टार नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्टार बन सकता है, जैसे मैं बन गया हूँ एक्चुअली। आप देखिए, अगर मेरे को आप ठीक से देखोगे तो मैं कहीं से भी स्टार नहीं लगता, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक जो अच्छा काम करता है उसे रिस्पेक्ट मिलती है, वो स्टार बने ना बने लेकिन उसे रिस्पेक्ट मिलती है, और वो मतलब वो आदमियों में भी है, वो सिनेमा भी है, और मतलब सिनेमा एकदम रियल है। आप देखिए पिछले साल के अगर 20 आप देखेंगे तो 20 में से 14 बार या 13 बार मराठी सिनेमा को नेशनल अवार्ड मिला है। सो ये बहुत बड़ी बात है मराठी इंडस्ट्री की, और उसमें भी मराठी इंडस्ट्री ने टाइम पास हो, दुनियादारी हो, या फिर नटरंग हो, बाल गंधर्व हो, या फिर बालक पालक हो, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में दी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बैलेंस है सिनेमा, एक कंटेंट ड्रिवन भी है और थोड़ा कमर्शियल एंगल भी है सिनेमा में। सो मतलब हिंदी इंडस्ट्री से हमारा कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी मराठी इंडस्ट्री एक अलग इंडस्ट्री है। नहीं, पता नहीं अभी भ्रम तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिजिकल ट्रेनिंग आपको करनी है तो कोई गलत बात नहीं है, उसमें भी आप कर सकते हो, आपको डांस सीखना है तो आप सीख ही सकते हो, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग, डांस, यही एक्टिंग है, ये बात नहीं है। एक्टिंग करने के लिए आपको अलग से थिएटर ज्वाइन करना होगा, और थिएटर में से आपको एक्टिंग सीखने मिलती है, मतलब मैं खुद थिएटर से हूँ, तो किसी को फिजिकल ट्रेनिंग करनी है तो उसमें बुरी बात नहीं है, आप करो, लेकिन उसके साथ आप एक्टिंग भी सीखो। अगर आपको एक्टिंग ही नहीं आ रही है और आप सिर्फ जिम कर रहे हो तो वो मुझे गलत लगता है थोड़ा। नहीं, बदलना चाहिए, मतलब अगर आप अगर देखें बॉलीवुड में भी, तो सिर्फ फिजिकल जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो स्टार नहीं बन रहे, उनको थोड़ी एक्टिंग भी आनी चाहिए। ऐसे नहीं है, मतलब कोई भी बंदा अगर प्रोड्यूसर है तो वो बेचारा किसी पे भी ऐसा पैसा नहीं लगाएगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लोग हैं जो सिर्फ फिजिकल काम के वजह से, उनको सिर्फ डांस आता है इसीलिए एक्टिंग करते, तो वो सब बंद होना चाहिए। जो रियल टैलेंट है, जो क्योंकि अभी रियल सिनेमा बन रहा है सब जगह, मतलब बॉलीवुड भी हो या फिर मराठी हो, मराठी में तो बन ही रहा है कभी से रियल सिनेमा, लेकिन अब बॉलीवुड में भी बहुत सारे रियल सब्जेक्ट आ रहे हैं, मतलब आयुष्मान खुराना जैसे स्टार्स हो गए, राजकुमार राव जैसे स्टार्स हो गए, पंकज त्रिपाठी आज कितना काम कर रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना काम कर रहे हैं, तो ऐसे सब अभी बॉलीवुड में भी चेंज हो रहा है, और थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसे फटाक से अपन जज नहीं कर सकते कि फिजिकल नहीं होना चाहिए, ऐसा फिजिकली भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो हीरो तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे रियल सब्जेक्ट आए तो अच्छा है। मराठी इंडस्ट्री में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ऐसा है कि अपने एक्टिंग के मतलब एक्टिंग ची खास असं म्हणतात मराठीत, मतलब एक्टिंग का एक हुनर होता है जो कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए। सो सब्जेक्ट चूज करते वाइज सिनेमा का बजट कितना है वो भी ध्यान में रख के सिनेमा करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही पैसा लूँगा या फिर मैं इतना ही चार्ज करूँगा, ऐसे मराठी इंडस्ट्री में मैं नहीं करता और कोई भी नहीं करता एक्चुअली, इसीलिए मुझे लगता है मराठी इंडस्ट्री आज ये स्टेज पे है। ओ माय घोस्ट से तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म आ रही है, और आप सभी को मैं विनती करता हूँ कि आप आइए थिएटर में और देखिए, 12 फेब से आ रही है फिल्म, और काजल शर्मा मेरी को एक्ट्रेस है, और उनके साथ मतलब जो घोस्ट बने हैं वो अपूर्वा है,
सोमेश्वरी है, कुरुष देबू सर है, पंकज विष्णु सर है, ऐसे सब 5 लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग फैमिली जैसे ही थे, मतलब सेट पे ऐसे नहीं था कि मैं ये करूँगा वो, मतलब जनरली ऐसा सेट पे होता है कि कोई बड़ा एक्टर आ जाएगा तो उसका एक अलग डिमांड होता है, तो ऐसा नहीं हुआ। स्पेशली कुरुष सर इतने साल से काम कर रहे हैं, पंकज सर इतने साल से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहीं भी टेंट्रम नहीं दिखाया। उल्टा मैं ऐसा कहूँगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे कैरेक्टर में इनपुट्स बोल के बहुत सारी अच्छी अच्छी दी है, और मैंने भी कोशिश की है कि उनका कैरेक्टर अच्छा बने और अच्छा अच्छे तरीके से वो कैरेक्टर और वो फिल्म को फिल्म में जाए। मतलब ऐसा नहीं कि फुकट कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी है तो कॉमेडी करने के लिए कुछ भी करे, वो फिल्म के जॉनर में भी होना चाहिए। और ऐसी सिर्फ चीज़ें, मतलब हम लोग सेट पर तो फैमिली जैसे ही थे, और फैमिली क्यों बने, क्योंकि रात को ज़्यादा शूटिंग होती थी। मतलब क्या होता था वो, मैं मतलब एक्चुअली थोड़ा अंधेरा चाहिए घोष की फिल्में शूट करने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे, जो भी जिसका भी शॉट नहीं है ना, वो बेचारा जाके सो जाता, तो उसको उठाने के लिए, मतलब जो बाकी एक अगर मैं सोया हूँ तो ये 5 घोष बन के मुझे उठाने को आते थे और मुझे उठा के लेके जाते कि चल बाबा अभी शॉट दे। तो ऐसी सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती थी सेट पर। थैंक यू, थैंक यू।